नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में जब से खुलासा हुआ है तभी से टाइम्स नाउ नव भारत को लेकर आम आदमी पार्टी के तेवर गर्म हो गए। यूं कहें तो केजरीवाल की नजरों में ये चैनल चढ़ गया है। तभी तो चैनल के एक पत्रकार को पंजाब में रोडरेज के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन के लिए उसे जेल भी भेज दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर केजरीवाल के खिलाफ आवाजें उठ रही कि क्या पत्रकार सच नहीं दिखा सकते, सवाल पूछने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता कहां चली गई। प्रेस फ्रीडम की बात करने वाले केजरीवाल की पार्टी पहले केजरीवाल के घर के सामने से पत्रकारों को डंडे के बल पर भगाती है और अब तो हद ही हो गई, सीधे पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और यही केजरीवाल ये कहते थे कि पत्रकारों को धमकी नहीं देनी चाहिए, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। और आज उन पर आम आदमी पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही है। जी हाँ, टाइम्स नाउ नव भारत के मुताबिक पत्रकार भावना किशोर को पंजाब में रोड रेज के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गाड़ी में पीछे बैठी थी और उन पर SC ST एक्ट भी लगा दिया गया। वही पुलिस का ये कहना है कि भावना की गाड़ी से एक महिला को चोट लगी है, लेकिन इस मामले में जब SC ST एक्ट लगाया गया तो सवाल कई खड़े होने लगे। टाइम्स नाउ नव भारत का ये कहना है कि पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार, परमिंदर को गलत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। वो पंजाब के CM भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। भावना को उस समय अरेस्ट किया गया जब वो मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन की कवरेज करने जा रही थी। इसका इन्विटेशन भी आम आदमी पार्टी ने भेजा था। चैनल ने यह भी दावा किया कि भावना को 48 घंटे सलाखों के पीछे रखने की मंशा है। टाइम्स नाउ नव भारत का ये कहना है कि भावना पर 373, 427 रोड रेज और किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस पर तो जमानत मिल सकती है, लेकिन इसमें SC ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में थाने से जमानत नहीं मिल सकती, सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। भावना जिस जगह पर थी वहाँ CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे, ऐसे में बाकी धाराओं का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। शुक्रवार की रात पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और 2 दिन सेशन कोर्ट जाया नहीं जा सकता। ऐसे में साफ है कि सोमवार को ही जमानत पर कोई फैसला आ सकेगा। चैनल का साफ कहना है कि पुलिस की मंशा पत्रकार को परेशान करने की है। अब बात करते हैं कि जो दावा चैनल कर रहा है क्या वो सही है। तो इस पूरे मामले में पूर्व DGP निर्मल कौर का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई उसमें पत्रकार का क्या रोल है, लड़की तो ड्राइव कर ही नहीं रही थी, क्या किसी ने जाति देखकर धक्का मारा होगा, क्या कोई बल्ब लगाकर चलता है कि मैं इस जाति का हूँ, मुझे धक्का मारो। अब इस बयान से ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पत्रकार को मोहरा बना रही है और उसे परेशान कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत में लगे 45 करोड़ का खुलासा करने पर ही आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई, इसीलिए पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान से 5 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, नए शहर में गई महिला रिपोर्टर को कैसे पता होगा कि रास्ते में मिलने वाला कोई व्यक्ति किस जात या वर्ग से है। सवाल नंबर 2, भावना कार नहीं चला रही थी तो उसकी गिरफ्तारी क्यों। सवाल नंबर 3, गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी का बैच क्यों नहीं था। सवाल नंबर 4, गिरफ्तारी के वक्त वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी। सवाल नंबर 5, गिरफ्तारी के बाद भावना के घर वालों और ऑफिस में सूचना क्यों नहीं दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस बेटी का नाम भावना किशोर है, ये इस वक्त लुधियाना सेंट्रल जेल में कैद है। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि एक पत्रकार होने के नाते दिल्ली के CM से उनके अवैध बंगले के बारे में सवाल पूछ लिया। टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर के लिए देश के हर चैनल और पत्रकार को बोलना ही होगा। वहीं एक और वीडियो दिखाते हुए पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ये लिखा कि जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे भावना को केजरीवाल जी से सवाल पूछने से रोका जा रहा था, उस पर भी वो कितनी शालीनता से सवाल पूछ रही थी। क्या ये वीडियो देखने के बाद कोई यकीन करेगा कि इस मासूम लड़की ने गाली दी होगी और गाड़ी चढ़ाने को कहा होगा।
अब जब ये तमाम सवाल खड़े होने लगे तो संजय सिंह और आतिशी ने ये बताना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया कि बीजेपी के चैनल की पत्रकार ने दलित महिला को गाड़ी से टक्कर मारी, गाली गलौच की, गाड़ी चढ़ाकर वो फरार हो गई। अब इसी का जवाब दिया है सुशांत सिन्हा ने। जी हाँ, पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कल से भावना को पंजाब पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन जब देश ने इन पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो अब लीपा पोती के लिए शॉकिंग न्यूज आने की नौटंकी शुरू हो गई है। इससे कुछ नहीं होना, सबूत दिखाओ, लड़की ने गाड़ी कैसे चढ़ा दी, वीडियो कहाँ है, रिपोर्टर तो पीछे बैठी थी, गाड़ी तो वैसे भी ड्राइवर चला रहा था, दिल्ली से गई रिपोर्टर को पंजाब की महिला की जाति कैसे पता चल गई, जो उसने जाति सूचक गाली दे, पुरुष पुलिसकर्मी क्यों लेकर महिला को गए, उस पर एफआईआर की जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई, अंधेरा होने के बाद भी महिला को थाने में बिठा कर रखने का क्या नियम। इसके साथ ही पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी लिखा कि एक लड़की ने पूरे निजाम को एक्सपोज कर दिया है, वो लड़की आज जेल में, पर उसकी भावना देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है, किसी निजाम की बेड़ी इतनी मजबूत नहीं जो उस भावना को रोक सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि 14 दिन के लिए भावना किशोर को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है वो कार्रवाई कर रही है, इस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, जहां से तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर पर्दे से लेकर टाइल्स का जो खर्चा है वो सामने आया है, जो चैनल इस पूरी खबर को लेकर खुलासा कर चुका है, उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस चैनल को बैन भी कर दिया। तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है अब इस पर आवाजें उठने लगी हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कितने चल रहे हो? ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।